मई भारत के राजनीतिक इतिहास का काला दिन था। यह तारीख और वर्ष 2013 हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन 31 लोगों की नक्सलियों ने नृशंस हत्या कर दी थी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के बड़े नेता, कार्यकर्ता, पुलिस और सुरक्षा गार्ड के जवान भी शामिल थे। आज इस घटना को 7 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस घटना के अंजाम देने वालों और इस षड्यंत्र के रचयिताओं को पकड़ा नहीं जा सका है। छत्तीसगढ़ की राजनीति के अग्रिम पंक्ति के नेताओं की एक साथ हुई यह हत्या की वारदात आज भी सिस्टम को मुंह चिढ़ा रही है। नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव था, लेकिन इसके पहले कांग्रेस इस बार पूरे जोर शोर और जोश के साथ भाजपा को तीसरे कार्यकाल में जाने से रोकने के लिए तैयार थी। मतभेदों के बावजूद सभी बड़े नेता इस बार साथ दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस ने 12 अप्रैल 2012 को परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के साथ प्रदेश भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार का प्रारंभिक चरण शुरू कर दिया था। 2000 में बस्तर के प्रथम चरण का मतदान 11 नवंबर को किया जाना था। यही वजह थी कि प्रदेश के सभी बड़े नेता एक साथ बस्तर क्षेत्र के दौरे पर थे। 25 मई 2013 की शाम एक सभा के बाद सभी कांग्रेस के नेता वापस लौट रहे थे। जगदलपुर से पहले पड़ने वाली झीरम घाटी में दरभा के निकट 4 बजे के आसपास कांग्रेस के नेताओं का गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। गाड़ी में बैठे नेताओं को कुछ गोलियों और विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद समर्थकों ने पटाखे फोड़े हों, लेकिन इस बीच कुछ गोलियां काफिले के गाड़ियों में भी लगी। गाड़ियों से निकलकर कुछ लोग इधर उधर होने लगे। पीछे से आ रही गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, लेकिन लगभग 4:30 बजे सड़क के नजदीक पहाड़ी पर से उतरते हुए नक्सलियों की बड़ी संख्या गोलियां बरसाते हुए काफिले की तरफ बढ़ने लगी। बस्तर के टाइगर कहे जाने वाले कांग्रेस नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा अपनी गाड़ी से उतरे और नक्सलियों को फायरिंग नहीं करने की अपील की। नक्सली महेंद्र कर्मा के नजदीक पहुंचे, महेंद्र कर्मा का नाम लेकर पूछा गया। वे सामने आए, उनके साथ पुलिस और पीएसओ भी थे, जिन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। नक्सली उन्हें घटना स्थल से कुछ दूर जंगल की तरफ ले गए। उनके साथ कुछ नेता और भी थे। महेंद्र कर्मा से नक्सलियों ने मारपीट की और बाकी नेताओं सहित सभी को गोलियों से भून दिया। इस घटना में विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, राजनांदगांव के विधायक उदय मुदलियार सहित कई नेताओं की मौत हो गई। विद्याचरण शुक्ल कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि इस घटना में महिला नक्सली बड़ी संख्या में शामिल थी, जो घटना के बाद नाच भी रही थी। घटना स्थल पर 13 वाहन बुरी तरह गोलियों से क्षतिग्रस्त थे। गोलियां कई वाहनों के आर पार भी हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बैठे लोगों के शरीर में कई जगहों पर गोलियां लगी हों। प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने झीरम घाटी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और भाजपा सरकार के शामिल होने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी थी। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने भी अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी पर इस घटना के पीछे होने का आरोप लगाया था और नार्को टेस्ट की मांग भी की थी। इस मामले में वर्तमान सरकार के मंत्री कवासी लखमा पर भी आरोप लगे थे। घटना के अनुसार नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, कवासी लखमा और ड्राइवर को भी अपने साथ ले गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद कवासी लखमा और ड्राइवर वापस लौटे, जबकि नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल का शव मिला था। कवासी लखमा अजीत जोगी के करीबी माने जाते थे। हालांकि नक्सलियों ने काफिले में शामिल लगभग 125 लोगों में से लखमा सहित कई लोगों को छोड़ दिया था। इस घटना के बाद वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कवासी लखमा से अस्पताल में बातचीत भी की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मैं तोड़ गया। कौन गया? कौन ले गया? पता नहीं लग रहा था कितने को। पता लगने से कैसा ले जाना था? एजेंसी से जांच करने आएगी, उसी से बात करोगे? कोई पत्रकार से बात नहीं। लखमा पर काफिले का रास्ता बदलने का भी आरोप लगा था। लखमा उस क्षेत्र के विधायक थे और स्वर्गीय नंद कुमार पटेल उनके पुत्र दिनेश पटेल के साथ एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। बाद में कवासी लखमा ने स्वयं सहित तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, गुप्तचर विभाग के डीजीपी मुकेश गुप्ता सहित बस्तर में तैनात पुलिस अधिकारियों नार्को टेस्ट की भी मांग की थी। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार घटना की सीबीआई जांच की मांग करती रही, लेकिन अब तक इस घटना में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।